आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार के लिए जो भी वादे किए थे वो पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पुलिस, पीएससी, अग्निशमन सेवा के 9,055 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे गए। इसी कार्यक्रम में पीएम मोदी वर्चुअली रूप से मौजूद रहे। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में सभी चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय पाठक, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, उत्तर प्रदेश के डीजीपी डीएस चौहान, एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद मौजूद रहे। बहुत ही अच्छा लग रहा है हम लोगों को इस निष्पक्ष एवं आकर्षित चयन प्रक्रिया में सेलेक्ट होकर, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। और हम अपनी तरफ से और अपने पेरेंट्स की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को इसके लिए बहुत ही आभारी रहूंगी। और हम अपनी सेवाएं इस पुलिस बल में देने के लिए आगे अग्रसर हैं और तत्पर निरंतर प्रयास करते रहेंगे अपनी अच्छी सेवाएं देने के लिए। 12 मार्च से हम लोगों को जो प्रशिक्षण शुरुआत होने वाली है उसके लिए हम लोगों की पूरी तैयारियां हो चुकी है और हम इस पद पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है, प्रसन्नता हो रही है कि हम इस पद तक पहुंचे हैं। कोशिश करेंगे कि हमें तन मन धन से इस देश की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। हमें अभी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है और हमें इस बात की अत्यंत प्रसन्नता भी है कि उन्होंने अपने कर कमियों द्वारा इस नियुक्ति पत्र को प्रदान किया और हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। मैं गोयल लखीमपुर खीरी जिले से बिलोंग करता हूँ। सर, आज बहुत ही खुशी हो रही है, बहुत ही गर्व का माहौल है। आज हम सब एसआई के पद पर चयनित हुए हैं। आज हम लोग को नियुक्ति पत्र भी फाइनली मिल चुका है। बहुत से सर प्रॉज एंड कॉन्स है, बहुत ही इसमें स्ट्रगल हुआ हम लोगों के लिए, पर आखिरकार भाजपा सरकार ने पूरी निष्पक्ष तरीके से भर्ती को करा के सर हम लोग का सम्मान बढ़ाया है, हम लोग को नियुक्ति पत्र दिया। उसके लिए मैं योगी जी व भाजपा सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। सर, आज मैं 9,000 व उनके समस्त परिवारगण की तरफ से आज जो है मैं योगी जी व भाजपा सरकार को धन्यवाद बोलता हूँ। बहुत ही खुशी का माहौल है सर, बहुत ही स्ट्रगल करा हम लोगों ने, आखिरकार सर हम लोगों को अपनी जो ड्रीम जॉब थी वो मिल गई है। मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है, मुझे इतनी ज़्यादा प्रयास के बाद मिली है और जो निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती है जिसमें आज मुख्यमंत्री हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा ये नियुक्ति पत्र दिया गया। इतनी मेहनत के बाद हमको नौकरी मिली और हम आगे यही चाहेंगे। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर दो बड़े इवेंट हुए, 10-11-12 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो, देश और दुनिया का हर निवेशक उत्तर प्रदेश में आया। जो निवेशक पहले उत्तर प्रदेश में आने से डरता था, आज वह लखनऊ में आकर के 3 दिनों तक रहा, 25,000 से अधिक निवेशक उत्तर प्रदेश में आया, 35,00,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव पर साइन करते हुए आज इस बात की इंतजार कर रहा है कब सरकार हमें बुलाएगी और हम अपना निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए नौकरी की सुविधा देते हैं। फिलहाल हमारी खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।